आज बनाने जा रही हूँ लेडीज सॉक्स, जिसके लिए देखिए मैंने इसमें तीन कलर लिए हैं और ये 10 नंबर सिलाई ली हुई है और इसमें मैंने 24 फंदे डाले हैं, 24 फंदे डाले हैं। और देखिए पहली रो मैं इसमें उल्टा बुनूंगी, इस तरीके से पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। इधर से इसको उल्टा बुनेंगे, उधर से भी उल्टा बुनेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए एक रो कंप्लीट कर ली है, पलट लेंगे यहाँ से, यहाँ से एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इधर से भी इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से इसको उल्टा बुनना है। ये देखिए इस तरीके से, और देखिए सीधे साइड गांठ स्टिच 24 डालूंगी मैं। 24 डालने के बाद मैं दिखाती हूँ, आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह की भूल हो आपकी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 24 रो बना ली हैं, 24 रो। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 24 रो बनाई हैं, 24 रो। अब देखिए इसको पलट लेंगे और यहाँ से मैं इसमें डिजाइन डालूँगी, जिसके लिए मैं ये कलर लगा रही हूँ। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये देखिए 24 में से मैंने 21 फंदे बुन लिए और 3 फंदे यहीं पे छोड़ दिए क्रीम कलर के। यहीं से इसको पलट लेंगे और यहाँ से इसको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है उल्टा उल्टा। ये देखिए यहाँ पे पलट लेंगे इसको उल्टी तरफ से, अब फिर इसको ऐसे ही बुनेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये देखिए 18 फंदे मैंने बुने और 3 ये छोड़ दिए। अब यहीं से पलट लेंगे इसको, यहाँ पे मैं डिजाइन डाल रही हूँ कली वाली। यहाँ से इसको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट तक मैंने इसमें इसको ऐसे ही बुन लिया है। आप देखिए यहाँ से मैं 3-3 फंदे छोड़ते हुए लास्ट 3 फंदे तक बुनूंगी और इसी तरीके से इसमें छोड़ते आऊँगी, कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने लास्ट 3 फंदे तक सारे फंदे छोड़ दिए 3-3 करके, और देखिए यहाँ से मैंने लास्ट 3 फंदे। अब देखिए यहाँ पे पलट लूँगी मैं और देखिए ये क्रीम कलर लगाऊँगी मैं, जो बेस कलर है इसका, उसको मैं लगा के यहाँ से सारे फंदे ऐसे ही बुन लूँगी उल्टे, इसको कंप्लीट करूँगी ऐसे उल्टा बुनते हुए। इसको थोड़ा टाइट बुनना है इस रो को, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिजाइन है इससे होल ना हो हल्का सा। ये देखिए आप देखिए ये मैं क्रीम कलर के जो फंदे हैं उनको भी बुन लूँगी इस रो में, दो ये 3 फंदे मैंने छोड़े थे, ये देखिए सारे फंदे मैंने बुन लिए। अब मेरे पास टोटल 24 फंदे हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ से पलट इसको मैंने एक फंदा उतार लिया और इधर से भी इसको उल्टा बुनेंगे और ऐसे ही इस रो को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। आप देखिए यहाँ से मैं ये तीसरा कलर अटैच करूँगी इसमें, और देखिए इस वाले दूसरे धागे को भी साथ में ही रखेंगे क्योंकि आगे की कली में मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी।
देखिए यहाँ से मैंने ये कलर लगा लिया। अब मैं इससे कलीडा बनाऊंगी, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। अब मैं फिर से जिस तरह से मैंने यहाँ की डिजाइन की फर्स्ट रो बुनी थी उसी तरीके से मैं बुनूंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये देखिए 21 फंदे मैंने यहाँ पे बुने और यहीं से इसको पलट लूँगी जिस तरह से, देखिए। और यहाँ से इसको उल्टा बुनूँगी इस तरीके से। ये दूसरी कली स्टार्ट हो रही है और सेम तरीके से ये बनेगी। और देखिए इसी तरीके से मैं 5 कली बना के कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी, एक इस कलर की बनाऊँगी, एक येलो, फिर इसी कलर की, इस तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कली बन गई हैं। आप देखिए ये कली लास्ट तक मैंने 3 फंदे तक इसको बुना है। ये देखिए इस तरीके से पूरी कली कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ से मैं ये सिर्फ क्रीम कलर से बुनूंगी। सारे धागे मैंने कट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनूंगी दोनों तरफ से। ये देखिए ऐसे, पूरा ऐसे ही बुन लेंगे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसे। ये देखिए इस रो में लास्ट तक फंदे में बुनूंगी इस तरीके से। ये देखिए पलट लिया इसको। आप देखिए यहाँ से इधर से भी उल्टा बुनूंगी मैं ऐसे। इस तरीके से दोनों तरफ से इसको अब उल्टा उल्टा बुनना है, सिर्फ एक कलर से ही इसी से। और देखिए इस तरह से मैं, जिस तरह से मैंने ये 24 रो इधर बनाई है, इसी तरीके से मैं 24 रो यहाँ बना लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 24 रो डाल ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये 24 रो बना ली हैं और 24 ही मैंने इधर बनाई हैं। तो देखिए यहाँ से अब मैं इसको बंद करूँगी, सभी फंदे में बंद कर दूँगी दो का एक करते हुए इस तरीके से। इनको मैं बंद कर लेती हूँ। ये देखिए अब मैं सिलूंगी। और सिलने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बड़ी करनी है तो आप इस तरह की दो रो बढ़ा लें, और छोटी करनी है तो आप दो रो ये कम कर लें। दो यहाँ पे कम करें और दो यहाँ पे कम करें, एक नंबर के हिसाब से। जो भी नंबर आप बनाएंगे उसमें आप दो दो रो ये कम ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। और देखिए अब मैं इसको सिलूंगी। तो सीधा साइड ये है, यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और देखिए यहाँ से लेके, ये देखिए ऐसे रख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक ख़त्म इसको करूँगी मैं, पंजे पे इसका एंड करूँगी, पंजे के साइड। ये देखिए मैं एड़ी के साइड से सिल रही हूँ इसे। ये देखिए यहाँ से मैंने ये बराबर करके यहाँ तक ऐसे सिला। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेंगे, जो कलर जो हैं उनको मैं ऐसे मिलाते हुए इसको यहाँ से पंजे तक सिलूँ। इसको मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ। ये देखिए इसको भी मैंने ये मिलाते हुए यहाँ तक सिला है लास्ट में।
ये देखिए पक्का करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे पक्का कर देंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिए और देखिए 6 और 7 नंबर को ये दोनों को आ जाएगी। ये देखिए एक जॉइंट है इसमें और यहाँ तक ये है, इस तरह से मैंने बना के कंप्लीट की है। अब देखिए मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी, तो बॉर्डर के लिए मैं बैक साइड से यहाँ से धागा अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 तीन बार बुना, वापस इसको यहीं से, ये देखिए। अब देखिए 2 रो यहाँ पे छोड़ूंगी, 1 2 एक दो तीन, तीन चैन वापस उसी जगह से ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 2 को छोड़ते जाएंगे और ये डिजाइन बनाते जाएंगे, 3 3 बनाने के बाद इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से 1 2 एक दो तीन, तीन बनाने के बाद ऐसे यहाँ पे अटैच करेंगे और देखिए यहाँ से 1 2 2 रो छोड़ दूँगी, तीसरे में यहाँ पे ऐसे बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन पूरे में यहाँ तक बना के राउंडेड कंप्लीट कर लूँगी। हल्का सा ये टाइट करके ही बनाना है, तभी आगे की गोलाई अच्छे से आ पाएगी।